राम राम दोस्तों, मैं चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? कल हमने आपको बताया था कि अनुपमा की अंगूठी तो मिल गई, लेकिन अक्षरा का लहंगा नहीं मिल रहा है। अब तो लग रहा है कि अभी और अक्षरा की शादी हो ही नहीं पाएगी। और वो कैसे, वो हम आपको बताएंगे। पहले आपको हम अनुपमा के घर की जानकारी देते हैं। शाह हाउस में तो रोज तमाशे खत्म ही नहीं हो रहे, लेकिन खुशियां भी खूब मनाई जा रही हैं। अरे खुशियां हो भी क्यों नहीं, अब अनुज बाबू अनुपमा के द्वारे पर बारात लेकर आने वाले हैं। अनुपमा भी बहुत खुशम खुश है भाई। भाई 26 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा है, लेकिन लेकिन और लेकिन वनराज पूरी कोशिश कर रहा है कि अनुपमा की शादी ना हो पाए। वो अनुपमा को डरा रहा है, धमका रहा है, और अपनी एक सास को भी बोलता है कि शादी नहीं चलेगी अनुज अनुपमा की। वनराज अनुपमा को भी ताना मारता है कि हीरे की अंगूठी तो संभाल नहीं सकती, शादी का रिश्ता क्या खाक संभालोगी। हालांकि अनुपमा हमारी बहुत मजबूत है, जवाब देने में एक से एक छक्के मारती है। अब बोलती है कि उसे रिश्ते संभालना आता है, लेकिन अभी सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं। वनराज कुछ तो कांड जरूर करेगा। वहीं अक्षरा के घर में तो आरोही ने कांड कर दिया है भाई, दुल्हन का लहंगा ही गायब कर दिया। अब लोग मिलकर सब लोग आरोही की क्लास लगा रहे हैं। बात भी सही है, जब जिम्मेदारी उसने ली थी तो ध्यान भी तो रखना चाहिए था। हमारा तो मन कहता है कि ये सब आरोही ने जानबूझकर किया है ताकि शादी ना हो पाए। हमको तो पता है कि वो अक्षरा की खुशियों से कितना जलती है, इसलिए तो लहंगा ही गायब कर दिया। अब अभी अक्षु से वादा करता है कि वो अपने दुल्हनिया का लहंगा लेकर आएगा। बेचारा शादी से कुछ घंटे पहले ही लहंगा लेने जाता है, लेकिन वहां भी ये मरी आरोही पहुंच जाती है। 1.5 घंटा बचा है भाई शादी में। अब देखो दूल्हा मंडप पे पहुंच पाता है कि नहीं। अभी तो मंडप पर पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन पृथ्वी जेल में जरूर पहुंचेगा। अरे भाई खुशखबरी लाए हैं हम आपके लिए लूथरा हाउस से। प्रीता को पता चल गया है कि करण को आखिर किसने फंसाया है। प्रीता ने तो मैडी की मदद से सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं। क्या क्लास लगाई प्रीता ने पृथ्वी की, देख कर ना कलेजे को एकदम ठंडक सी पड़ गई। समीर को भी पता चल गया कि ये करतूत पृथ्वी ने की है। सबूत तो बहुत है प्रीता के पास, लेकिन पृथ्वी शांत कहाँ बैठने वाला है, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। चलो तो भाई हम दोस्त अब चलते हैं, एक अगरबत्ती जलाकर आते हैं। हमने ना मन्नत मांगी थी कि जिस दिन करण जेल से बाहर आएगा तब एक अगरबत्ती भगवान को एक्स्ट्रा जलाएंगे। चलो बस वही करके आते हैं। राम राम।